सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा डे 4 मनाली में, और यहाँ से आज की कोशिश यही है कि हम लोग लद्दाख टच कर जाएंगे रात तक। बस आप पीछे का व्यू चेक करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये वही नदी है जिसने हिमाचल में प्रलय ला दिया था भाई। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। ये इतनी बड़ी है, मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ी है। अभी तो बहुत छोटे से उसमें पानी जा रहा है। बाकी हम लोगों को उधर जाना है पीछे, और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है उधर साइड भी। थोड़ी थोड़ी सी तो टेंशन बनी है, बट एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा है कि भाई फीवर हो गया यार अपने को एक्साइटमेंट की वजह से। बट कोई नहीं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं अपनी पूरी जर्नी कैसे क्या मैनेज होगा। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ मैं बस डायरेक्ट अब अपनी बाइक पर। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा लेट हो गया था यार, क्योंकि पता है एकदम से गर्मी से ठंड में आए, समझ नहीं आया कपड़े क्या पहने, और ऊपर से भाई मैंने पूरा लाद के गलती कर दी। बाकी अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो मौसम तो भाई इस साइड बहुत ख़राब हो रहा है, मेरी फट रही है। वहाँ जाना है, और शायद मैं गोप्रो में दिखा दूँ, वहाँ थोड़े थोड़े से पहाड़ों पे मेरे को बर्फ़ दिख रही है। और यहाँ जो राहुल था अपना होटल वाला, भाई कह रहा है कि कल रात में उधर साइड सिसु या अटल के पास भाई वो हुआ है, बर्फ़ गिरी है। सो बस एक्साइटमेंट लेवल हो गई है, हम लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे हौले हौले जा रहे हैं। फराज भाई ने तो रॉकेट बना दिया। मेरी फट रही है भाई, पता नहीं क्यों, जेन्युइन कह रहा हूँ, मेरी इस समय फट रही है बाइकों पे। बस मेरी लाडो मेरा साथ देती रहे ना, इसको तो मैं लद्दाख क्या पूरा खींचते हुए लेके आऊँगा वापस, फिर आके इसको पैम्पर करवा दूँगा। मेरी लाडो को पैम्पर की बहुत ज़रूरत है यार अब। बाकी आप अगर देख सकते हैं उधर बहुत, ओ भाई रोड टपक गई, अच्छा लैंडस्लाइड हुई है भाई। ये नदी तो इतनी फाड़ रही है ना मेरी, बताओ इतने बड़े बड़े पत्थर भाई, इतने बड़े बड़े, बताओ भाई क्या मंजर रहा होगा, लोगों के क्या खौफ रहा होगा भाई इस चीज़ का। भाई कितने लोगों ने अपना घर खो दिया इस चीज़ में। लो भाई हमें, हाँ मैं इस रास्ते से तो आया हूँ, जब मैं लास्ट टाइम मनाली आया था तो मैं इस रास्ते से कार से आया था। ये रास्ता डायरेक्ट अटल तनल अब दूर नहीं है, तो मैं फटाक से फिर टाइम ट्रैवल करूँ डोरेमोन की टाइम मशीन से। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, प्रियांश भी आ गया है। हाँ भाई, तो मुझे प्रियांश की टेंशन रहती है, पीछे दिखता नहीं मुझे, मैं टेंशन में आ जाता हूँ क्योंकि औंधी पौंधी लोग गाड़ी चला रहे हैं। उस बात की कि हम लोग सब सेफली जाएँ, इसलिए फराज भाई आगे चल रहे हैं। उत्तरा ये हिमाचल में बाइक से ये मेरी पहली ट्रिप है। फराज भाई ट्रिप कर चुके हैं तो उनको रास्तों का नॉलेज है। हमें समझ लीजिए जाना है उस पहाड़ पे, उधर उसके पीछे, तो काफ़ी लंबा है। ऑलमोस्ट आज हम लोग 220 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे सिर्फ पहाड़ पे ही। रात होते होते जहाँ देखेंगे जितना पास पहुँच गए वहाँ पर हम लोग स्टे ले लेंगे, फिर बाकी कल तो भाई एपिसोड 5 खतरनाक ले लद्दाख का। भाई एक्साइटमेंट इतनी तगड़ी है ना, बस खुद को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया हूँ आज। कभी सोचा नहीं था यार कि सुपर बाइक भी ले पाऊँगा, सुपर बाइक से मैं ट्रैवल करूँगा भाई इतनी दूर। पहले सोच के फटती थी यार, बाइक से कौन जाए इतना दूर, यार कैसे मैनेज होगा। ना भाई ना, सब मैनेज होता है। गाइस पहुँचने वाले हम लोग अटल टनल, और अटल टनल पहुँचने से पहले मुझे मेरे रियर व्यू मिरर पे एक बहुत स्पेशल बाइक दिख रही है भाई। वो भी राइडर है, वो भी शायद लद्दाख ही जा रहे हैं। इट्स अ हार्ले डेविडसन, और पैस की आग, उसमें वो घोस्ट राइडर वाला, वो मेरे को नहीं पता यार क्या बोलते हैं, वो हैंडल सारा लगाया एकदम यू। ओ भाई उनको आगे आने दो, उनकी बाइक एक बार रिकॉर्ड करूँगा मैं भाई। अप्रिशिएटेड, क्या बाइक है भाई उनकी, बगल से निकले ये देखो। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई क्या ही लग रही है भाई। इट्स अ फैट बॉब आई थिंक सो। यार हार्ले में ना मुझे इतना नहीं पता है, ये GT 650 है, दैट्स द फकिंग हार्ले। भाई इसका हैंडल देख रहे हो भाई, मतलब इन्होंने सिंगल सीटर बना रखी है इसको, इतनी खूबसूरत लग रही है ना यार। देखो यार थोड़ा सा चोरी करने की कोशिश करता हूँ, उनकी थोड़ी सी क्लिप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो एंड यू विल लीन नाउ, ये देखो गाइस, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड ब्रो। भाई ये आयरन 833 आई थिंक सो, या दैट्स द 12 भाई 1200 सीसी का रॉकेट लेके जा रहे हैं यार वो। ओ भाई, ओ भाई, एंड भाई लाइनअप देखो, सारे बाइकर्स अपने ग्रुप के जा रहे हैं, मतलब हमारे नहीं, हम तीन हैं, बाकी आगे एक ग्रुप जा रहा है एक ग्रुप, एंड इट्स फीलिंग कि भाई मतलब
यू नो व्हाट्स अ ब्रो कोड? पीछे मैंने एक लाइन देखी थी, लिखा हुआ था ब्रो कोड ऑलवेज सेव्स। भाई साहब बट उनकी बाइक तो बहुत प्यारी थी, आई विश हिम सेफ जर्नी भाई, क्योंकि हार्ले लेके ये जा रहे हैं वहाँ पे। और हमारा ले 411 किलोमीटर अटल टनल, 2 किलोमीटर भाई अटल टनल आ गया। ओ भाई मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट अटल टनल पे भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस समय मेरे को। एंड हियर वी गो गाइस, हमारे सामने है अटल टनल। ओ माय गॉड भाई, भाई सब शाहरुख खान का पोज क्यों दे रहे हैं यार यहाँ पे? ओ माय गॉड भाई, लोग सेक्सी लग रहे हैं एकदम भाई। अटल टनल आ रहा है ना भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। यार मेरी गलती होती है, मैं हमेशा बाइक लाइन के बाहर लगाता हूँ। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ये अटल टनल। तो गाइज मीट अ न्यू फ्रेंड बिल्लू। बिल्लू अभी रोड के बीच में आ गया था और बिल्लू डर रहा है भाई, मेरा बिल्लू डर रहा है। बिल्लू को मैं, बिल्लू से हाय, तू बार बार रोड के बीच में मत आया कर, बिल्लू डर रहा है हमारा। चल बिल्लू तू ध्यान रख सेफली, ठीक है? बाय बाय। भाई कितना पाला है ये, अभी छोटा सा बिल्लू ना रोड के बीच में आ गया था, हमें भागा इसको बचाने के लिए, नहीं तो आज बिल्लू चल सो जा। तो भाई यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे हम लोगों को, ये भाई कानपुर से हैं। भाई आप कानपुर से हो, आप किधर से हो? सर भाई मेरा कॉलेज था यार चंडीगढ़ में। सी यू। अरे यार आजू बाजू हो यार तुम लोग तो। भाई वो तो मैंने कैप्चर ही नहीं किया, आई डोंट नो ये मेरा गोप्रो में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अरे बिल्कुल भाई, हमारे भाई को ब्लॉग। भाई पूरी स्नो हमें जाना उधर ही है। एंड भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। अब बस यहाँ से भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, भाई लोग सब पंजाब चंडीगढ़ लखनऊ कानपुर के थे। तो बस हम लोग सबसे मिल के अब डायरेक्ट अपनी जर्नी कवर कर रहे हैं अटल टनल के अंदर। तो अब मैं डायरेक्ट अपने अटल टनल के अंदर मिलता हूँ। भाई मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन लग रहा है, पता नहीं क्यों बट ठीक है। जय हिंद, अपना तिरंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द अटल टनल 40। ओके तो भाई अटल टनल वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब मैं डायरेक्ट इसमें वो करता हूँ टाइम ट्रैवल। भाई पता है मेरे को ना बनी की एक लाइन याद आ गई, कहीं पहुँचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है भाई। और मैं निकल आया यार हर एक चीज़ से भाई। आज मैं इतना अच्छा फील हो रहा है कि यार हमारी डेस्टिनेशन दूर नहीं है। मैं अपनी बाइक से भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो सब्सक्राइबर्स मिले थे अपने को यार, वो लोग लिटरली हर एक बंदे का सपना होता है यार, और हमारा सपना पूरा करने के बस कुछ पल दूर है यार। थोड़ा सा तो खिंचा मारते हैं, आवाज़ें के मजे लो आप। ओ भाई लाटो ना दौड़े मार रही है, लाटो को भी बहुत खुशी है अटल टनल में यार। सबसे ज्यादा खुश तो मेरी लाटो है यार, सोच रही होगी इंसान पागल मुझे कहां से कहां ले गया। ओहो बुम बुम, भाई बस अटल टनल का खत्म होने वाला है। बस मेरे से रहा नहीं गया कि मैं बनी की वो लाइन बोलूं, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना भाई बहुत जरूरी है यार। एंड दैट हिट मी राइट नाउ, मुझे वो लाइन का मतलब ना अब समझ में आ रहा, क्योंकि मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ भाई। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ बस हाउ हैप्पी आई एम राइट नाउ। ओहो भाई कभी सोचा नहीं था लाटो तू मुझे इतना दूर ले आएगी। चलो जी जल्दी से मिलता हूँ आप लोगों से मैं अटल टनल के बाहर। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल आए अटल टनल के बाहर। हाय 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 हाय, ओ यहाँ बर्फ नहीं है। ओ भाई साहब शिट मैन, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना जो पहाड़ दिख रहा है ना ये पूरा बर्फ से कवर्ड था। चलो कोई नहीं, इट्स गुड, इट्स ओके, नो वरीज, सेफ एंड हैप्पी जर्नी। ये सब बर्फ से कवर्ड था लास्ट टाइम जब मैं आया था दिसंबर में।
बट भाई कोई टेंशन नहीं यार, खूबसूरती है, पहाड़े हैं, और हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर्ड ये नदीना पूरी लाइक वो थी, इसको बोलते हैं बर्फ़ से कवर्ड थी, और यही वो लोकेशन है जहाँ हम लोग बर्फ़ से खेल रहे थे। मैंने एक रील डाली थी इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। बाइकों की चेकिंग हो रही है शायद, ना ना ना, अच्छा ATV वाला सीन है यहाँ पे। तो भाई ये कुछ हमारी बाइकों का लाइनअप, और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मतलब मुझे दिख रही है, वो देखो वहाँ पे दिख रही है जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। बाकी यार ये देखो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मुझे दिक्कत दे रहा है वैसे, बट इट्स नॉट एन इशू भाई। यहाँ कुछ काम शाम चल रहा है, एंड भाई खूबसूरती चेक करो यार, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना खूबसूरत है ना ये सब एरिया। और बाकी बस हम लोगों को जाना है अब यहाँ से, 5-10 मिनट बैठ के रेस्ट रेस्ट करके निकलते हैं हम लोग। आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, तो भाई जिसका डर था वही हुआ, छोटा सा सैंड स्टॉर्म है इधर, ये देख रहे हो आप सामने, अगर दिख रहा होगा मिट्टी उठ रही है, और यहाँ थोड़ी सी मुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा दिक्कत लग रही है, बस पेड़ नहीं है, पेड़ आगे हैं। बाकी कोई टेंशन तो नहीं है, वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर्स, देखते हैं जहाँ तक कंट्रोल कर पाए कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं गर्मी है कहीं कहीं ठंडक है, ऊपर से अपना शरीर तो आप जानते ही हो यार। बाकी लाडो बिल्कुल सेट है हमारी, इनफैक्ट बहुत खुश है। सोच रहा हूँ यार लाडो का एक पार्टनर ले आऊँ, आप कमेंट करके बताना कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए। मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक नेक्स्ट बाइक लेने का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ सजेशंस दो यार। लूँगा तो 600 cc या मैक्सिमम 400-500 cc में, एक टूरर बाइक प्रॉपर वाली, क्योंकि हर जगह लाडो तो मेरी नखरे बहुत करती है। मैं प्रेफर कर रहा था कावासाकी की ZX4R जो आई है, 400 cc सेगमेंट में गाड़ी है, इनलाइन 4 साउंड भी है, थोड़ा सा टूरर टाइप भी है, या फिर निंजा 650। तो आप लोग, मैंने अपना ऑप्शन दे दिया है, बाकी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो आई विल थिंक अबाउट इट। बहुत जल्दी लाडो की लाडली आ जाएगी। वैसे लाडो का नाम तो अरे भाई ऐसे ही रख दिया, सब लाडो लाडो करते हैं। बाकी उस बाइक को भी मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, आप लोग देखते रहो, स्टे ट्यून, बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए अब नेक्स्ट। और आप देखो भाई फाइनली हम लोग सिसु कर गए हैं क्रॉस, ओहो इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप, वाह, ओ माय गॉड्स, देखो यार कितना ही खूबसूरत है। तो भाई हम लोग अभी थोड़ा सा उल्टा रूट जा रहे हैं, बिकॉज सामने देख सकते होंगे एक बुलेट पे कपल है, अंकल एक है, एक्चुअली उनकी कुलिक की गाड़ी पंचर हो गई है, तो अपने पास तो पूरा किट है टायर इन्फ्लेटर से लेके पंचर किट, तो हम लोग थोड़ा सा भी उल्टा जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे। ये स्कूटी आई थिंक सो, ये स्कूटी है, तो गाड़ी अभी हम लोग साइड लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बीमारी है स्कूटियों में। अरे भाई खाई है भैंस की आँख, ओ भाई यहाँ गए ना तो बचेंगे नहीं, ओ भाई खाई है, ध्यान से भैया ध्यान से, देखो देखो देखो, चलो भाई मिलता हूँ आपसे 5 मिनट में। तो भाई अभी चलते चलते ना मेरी बच चुकी बैंड, आप व्यू चेक करो, मेरे को भी 3-4 बार चक्कर आ गया था, बिकॉज यहाँ थोड़े पेड़ हैं, पीछे के एरिया है ना यार जहाँ पे पेड़ नहीं थे बैंड बज गई भाई लिटरली। कोई भी ये वीडियो देख के आ रहा है ना यार, प्लीज़ भाई बी रेडी फॉर एवरीथिंग, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, सांस भी फूल सकती है, तो प्रॉपर मेडिसिन सब कुछ ले करके चलो। अब आप ये देख रहे हो वो पहाड़ पूरे बर्फ़ से कवर्ड है, पेड़ कितने ही है यार, और अभी आगे तो और भी नहीं मिलने वाले हम लोगों को। अभी बस एक जगह है ये आया टंडी, तो वहाँ पे रुक के भाई मेरे को तो मेरी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मैं कुछ मेडिसिन भूल गया अपनी, तो मेरे को मेरी मेडिसिन लेनी है अभी, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। 5-10 मिनट वहाँ पे बैठ भी लेंगे। आज हमारी जहाँ लोकेशन है, हमारा जहाँ स्टे है, वो यहाँ से बचा होगा
मोटा मोटा 150 किलोमीटर के आसपास, तो 4 तो बजने को ही आ गया है। बाकी कोशिश यही है 7-8 बजे तक पहुंच के ये व्लॉग में आज लाइव कर दूंगा। बट भाई लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी आए ना आराम से, और एक मेन चीज़ भाई पैनिक नहीं करना कभी भी इन सब सिचुएशंस में। पैनिक करते हो ना तो तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने का टेंशन रहता है, क्योंकि मेरे को चक्कर आया था। एंड लाइक मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इससे पहले क्लिप डालूंगा, एक अंकल की हेल्प कर रहा था ना, जो मैं खाई की तरफ रुका था ना, जब मैंने वीडियो बंद किया मैं बस स्टैंड आके उतरा, और भाई मेरा ऐसा चक्कर आया ना, मेरी फटके हाथ में आ गई एक सेकंड के लिए। आप ये देख रहे हो पेड़ नहीं है पूरी, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 12,000 फीट पे हैं। यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे सब दिक्कत रहती है, तो भाई हमेशा हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन का डर रहेगा ही रहेगा, आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हो। बाकी कोई टेंशन नहीं है, खूबसूरत वादियों के मज़ा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं टंडी। टंडी इज़ 9 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, तो टंडी जाते हैं। टंडी में थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा सामान लेना है। एक्चुअली मेरे मिरर भी ढीले हो गए हैं, और मेरे को मेरी एलन की का सेट भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक नया ख़रीद लेंगे। बाकी कुछ छुटपुट चीज़ें जो होंगी देखेंगे, लेने वाली तो ले लेंगे। बाकी भाई ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी वाट लग रही है अभी भी, मेरी प्रॉपर वाट लग रही है। अभी मैंने थोड़ा सा ग्लूकोज भी पिया था, बट उससे भी काम नहीं आया। बाकी चलो फिर मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट टंडी पे, जो प्लेस है। ओके जी, लीन करते हुए भाई निकल गए हम लोग। थोड़ा सा रिस्की एरिया है यार, ये पत्थर गिरने वाला है। मुझे मेरे पीछे मेरे बंदे क्यों नहीं दिख रहे हैं? ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा था। आ रहे फराज भाई, अरे हौले हौले, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो यार यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, बट हम ना रिस्क ले भाई। फराज भाई रोक दिए, पक्का फोटो शिव है। अरे यार एक तो ये डरा रहे हैं, पत्थर गिरने वाले एरिया से, ये यहाँ से निकालो जल्दी। चलो भाई रुको, मैं ये स्किप करता हूँ। इन 3-2-1 पुम, वर्थ है यार, सारी तबीयत ख़राब सब कुछ होना वर्थ है यार। अरे थोड़ा सा यहाँ पे सैंड स्टॉर्म हल्का हल्का, इसी की वजह से पत्थर गिरते हैं। तो भाई निकलो, प्रियांश मेरे पीछे है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ले ओ, ये तो यार सैंड स्टॉर्म में इतना गंदा कर देता ना अपनी जैकेटें भी। बाकी बस हमारा फीवर और ज़ुकाम सही हो जाए। वो देखो, अरे मटन इतने सारे, सॉरी भेड़ है बहुत सारी। ढाबा 28 ब्रो, इन द सर्विस ऑफ नेशन, बॉर्डर रोड एंड्स। ओके तो भाई जा, टंडी पहुंच ही गए, 2 किलोमीटर है मुझे वो दिख रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा सा इधर उधर आ गए हम, अब भी गाड़ी में ब्लॉक बहुत सारा हो गया है। जाते हैं दवाई शवाई लेते हैं, होटल छोटल देखते हैं। आज का स्टे तो अपना यही है, और 4:30 आसपास बज रहे हैं। तो मैं ब्लॉग ये एडिट करके कोशिश ही रहेगी 6 बजे तक लाइव कर दूंगा। बाकी भाई नेचर भी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली हम लोग रुके थे टंडी कोई जगह है, ठीक है, और आज हम लोगों का स्टे है जिसपा में, बिकॉज बताया आर्मी वालों ने आगे मना कर दिया अपने को जाने से। और यहाँ स्कैम हो गया यार हमारे साथ, इनके पास है नॉर्मल पेट्रोल बट नहीं दे रहे थे, बट हम लोगों ने बोला तो दे रहे हैं। बहुत सारे बाइकर्स ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं वो अपनी लाडो खड़ी है। अरे लड़की नहीं यार, सॉरी, ये लाडो अपनी खड़ी है, ठीक है, गलत मत लेना कोई। बाकी यार एक बार व्यू चेक कर लो आप लोग, बर्फ है बहुत सारी भाई। तो बस अब मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंड बज चुकी है। यहाँ से 20 किलोमीटर अपना लोकेशन है। बाकी आज है डे, ये देखो सब बदतमीजी करते हुए है ना, आज है डे 4 हमारा, कल से डे 5 पे स्टार्ट होगा। हाँ भाई, यस, अरे माँ व्लॉग में एडिट, ये तो और है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और कीप कमेंटिंग कीप शेयरिंग। बाकी सब बढ़िया है, आप लोग भी अपना ख्याल रखो। मैं ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारे आप लोगों को दिखाता रहूँगा, फिर भी एक बार देख लो यार, सुकून यार। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एपिसोड 5 में नेक्स्ट डे पे। चलो जी।